पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले के कृष्णा नगर में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर ममता ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अपनी ही पार्टी के नेताओं को ईमानदारी से रहने की सीख दी। साथ ही कहा कि गलती करने वालों को सुधार का एक और मौका मिलना चाहिए। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं यहाँ अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आपके 5 बच्चे एक जैसे हैं, उनमें से एक थोड़ा भटक सकता है, उसे सुधारना होगा। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने गलतियाँ की हैं वे खुद को सुधारें। गलतियों को ठीक करना और सुधारना हमारा धर्म है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गलतियाँ करने के अधिकार के बारे में बात की थी, ये भी एक अधिकार है और उन गलतियों को ठीक करना होगा। हालांकि ममता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस विधायक मानिक भट्टाचार्य को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित रूप से शामिल होने पर गिरफ्तार किए जाने की पृष्ठभूमि में आया है। वहीं सीएम बनर्जी ने इस मौके पर बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, भाजपा तृणमूल कांग्रेस को लगातार गाली दे रही है, उनके पास और कोई काम नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है। एक या दो लोग गलती कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गलत कर रहा है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने सीएए को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन किसी की नागरिकता नहीं जाने दूंगी। बीजेपी चुनाव में ही सीए को मुद्दा बनाती है। बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया, वो चुनाव में झूठे वादे करते हैं, चुनाव उनके लिए बस मजाक है। बीजेपी ने चुनाव आते ही सीए का मुद्दा उठाया है। चुनाव खत्म होने के बाद वो धार्मिक भेदभाव और बंटवारे की राजनीति करते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य में एक बार फिर सीएए का मुद्दा गर्मा गया है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मथुरा के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभी को सीएए के तहत नागरिकता देने का वादा किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।